से खबर सामने आ रही है और तस्वीरें आपको लगातार हम दिखाई रहे थे कि कैसे वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। अब एक ताजा मामला सामने आया जहां पर इश्निंदा बता करके कुछ कट्टरपंथी जो है वो थाने में घुस गए, एक युवक को वहां पर मार डाला। भयानक तस्वीरें सामने आई, इस रिपोर्ट को हम देखिए। बांग्लादेश तालिबान बनने के बेहद करीब पहुंच चुका है। ना तो वहां कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज रह गई है, ना ही वहां हालात अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के कंट्रोल में लग रहा है। खासकर जिस तरह से हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से वहां हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, उसे देखते हुए ये पक्का हो चला है कि बांग्लादेश का तालिबानीकरण लगभग पूरा होने को है। वहां से आई इन तस्वीरों को देख लीजिए, आपको यकीन हो जाएगा कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। ये तस्वीरें खुर्जा के सुनादांगा रेजिडेंशियल इलाके की है, जहां एक हिंदू युवक को पुलिस थाने में खूब पीटा गया। इस हद तक पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक उस युवक पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप था। हालांकि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है यह फिलहाल कह पाना मुमकिन नहीं है, लेकिन ये तय है कि बांग्लादेश में जिस तरह अराजकता का माहौल है, वहां हिंदू विरोध की लहर चल रही है, उन हालातों में किसी भी हिंदू पर कोई भी आरोप लगाकर वहां हिंदुओं की हत्या कर देना आम बात हो गई है। वहां हिंदुओं के खिलाफ लूट, डकैती और हत्याएं जैसी वारदात की लगातार तस्वीरें सामने आ रही है जो इसकी गवाही दे रही है, और ये सब वहां हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से ही चल रहा है। लेकिन अब हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कट्टरपंथी इश्निंदा का आरोप लगाकर हिंदुओं को न सिर्फ टारगेट कर रहे हैं, बल्कि थानों में घुसकर तालिबानी तरीके से हिंदुओं की हत्या करने का दौर भी शुरू हो गया है, जो इस बात की गवाही दे रहा है कि बांग्लादेश में अब कानून कायदा नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की खबर वहां के अंतरिम सरकार को नहीं है। भारत ने तो बकायदा वहां हिंदुओं पर हो रहे हमले का विरोध भी जताया, लेकिन बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस कट्टरपंथियों के हाथों की ऐसी कठपुतली बने हैं कि उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। यहां तक कि हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर उन्होंने उल्टा भारत पर ही आरोप मढ़ने की जुर्रत कर दी। मोहम्मद यूनुस का कहना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की घटनाओं को भारत ने बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले सांप्रदायिक नहीं बल्कि राजनीति से प्रेरित हैं, इसे बड़ा करके बताया जा रहा है। सवाल है, बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया ने हिंदुओं पर हो रहे हमले को तो राजनीति से प्रेरित बताकर अपना दामन बचाने की कोशिश कर ली, लेकिन इन तस्वीरों पर वो क्या कहेंगे? क्या दुनिया के किसी लोकतांत्रिक देश में ऐसा हो सकता है जहां थाने में घुसकर भीड़ आरोपी की हत्या कर दे? सवाल है कि क्या अब भी यूनुस ये मानेंगे कि बांग्लादेश अब तालिबान बन चुका है और वहां कानून का राज नहीं है? जाहिर है बांग्लादेश की मौजूदा सरकार चाहे जो भी दलील दे, सच यही है कि बांग्लादेश की सच्चाई दुनिया के सामने आ गई है। बांग्लादेश अब पूरी तरह से कट्टरपंथियों के कब्जे में आ चुका है। वहां आतंकी जेल से रिहा कराए जा रहे हैं और कट्टरपंथी खुलेआम सड़कों पर हिंदुओं के खून से अपने हाथ रंग कर शैतानी अट्टहास कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर में एक बार फिर से उग्रवाद सर उठाता दिख रहा है। खासकर सितंबर महीने की बात करें तो तेजी से उग्रवाद हमले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन इन उग्रवादी हमलों में महिमा जिस खास तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है वो अपने आप में चौंकाने वाली है। बिल्कुल, और संकेत अभी मिल रहे हैं कि सारे के सारे उग्रवादी कैसे नॉर्थ ईस्ट को दहलाने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश रच रहे हैं। खुफिया रिपोर्ट क्या कहती है आप देख लीजिए। मणिपुर में फिर फन फैला रहा उग्रवाद। मणिपुर के पूर्व सीएम का घर रॉकेट हमला। हिंसा की आग में कब तक जलेगा मणिपुर? पिछले साल से हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर में हालात खराब होते जा रहे हैं।
उग्रवाद एक बार फिर यहाँ अपना फन फैला रहा है। वहाँ खतरा इस कदर बढ़ गया है कि वहाँ लोगों की सांसें अटकी पड़ी हैं। उग्रवादी अब वहाँ हमले में बेहद हाईफाई तकनीक का सहारा ले रहे हैं और वो उग्रवादी हमले में बेहद अत्याधुनिक और खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हाँ, अभी चंद रोज पहले ही वहाँ उग्रवादियों ने इम्फाल में हमले के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया था और अब उग्रवादियों ने वहाँ रॉकेट से हमला करके पुलिस और सुरक्षा बलों को चौंका दिया है। हैरानी ये है कि बेखौफ उग्रवादियों ने इस बार हमला वहाँ के पूर्व सीएम कोइरेंग के घर पर किया। जानकारी के मुताबिक उग्रवादियों के इस हमले में एक बुजुर्ग की मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक उग्रवादियों ने हमला बीते रोज दोपहर करीब 3 बजे किया। बिष्णुपुर जिले में आज दूसरा रॉकेट लॉन्च किया गया है। दूसरा रॉकेट का भी विस्फोट यहाँ पर कुछ ही देर पहले हुआ है। करीब 3:30 बजे यहाँ पर आकर के दूसरा रॉकेट जो पहाड़ से के फायर किया गया था वो यहाँ पर आकर के गिरा। ये घर है, ये पुराना घर है, पुस्तैनी घर है मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एम कोइरेंग सिंह का, और उन्हीं के घर के आंगन में आकर के ये रॉकेट गिरा। रॉकेट के इम्पैक्ट एरिया में इम्पैक्ट क्रेटर जो यहाँ पर बना है उसमें साफ जाहिर है कितना भारी रॉकेट था ये और कितना तबाही मचाने के काबिल था। आपको बता दें कि उग्रवादी बीते कुछ दिनों के दौरान जिस तरह के हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं उसे लेकर पहले इस बात की आशंका जाहिर की जा चुकी है कि उग्रवादियों को विदेशी मदद मिल रही है, क्योंकि मणिपुर में बीते साल से 2 समुदायों के बीच टकराव की खबर जरूर आई लेकिन अचानक ही वहाँ सितंबर के शुरुआत से ही ऐसे संकेत मिल रहे हैं जिससे उग्रवाद का खतरा सिर उठाता दिख रहा है। मणिपुर में उग्रवाद का खतरा बढ़ा। 1 से 3 सितंबर के बीच 2 ड्रोन हमले हुए। शुक्रवार को पूर्व सीएम के घर पर हमला, हमले में रॉकेट का इस्तेमाल हुआ। उग्रवादी हमले में 1 की मौत, 5 घायल। शुक्रवार को पूर्व सीएम के घर पर किए गए इस रॉकेट हमले में गनीमत ये रही कि उग्रवादियों का निशाना सटीक नहीं था, वरना इस हमले के चपेट में आकर नुकसान ज्यादा हो सकता था। जानकारी के मुताबिक उग्रवादियों का छोड़ा गया रॉकेट जिस जगह को हिट करने पहुंचा था वहां से महज कुछ ही दूरी पर असम राइफल्स का कैंप भी था और 500 मीटर की दूरी पर INA मेमोरियल। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि उग्रवादी हमले का असर कितना भयानक हो सकता था। कुल मिलाकर नॉर्थ ईस्ट को अशांत करने की एक और साजिश परवान चढ़ती दिखाई दे रही है जो जाहिर तौर पर सुरक्षा बलों के लिए चैलेंज है। ऐसे में देखना है कि उग्रवाद के इस उभरते फन को कुचलने के लिए सुरक्षा बल कौन सा तरीका अपनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।